ये उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। भाइयों बहनों, एक गोद लिया हुआ बेटा अपने माई बाप को वादा करता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका पूरा साथ रहूंगा, आपका समर्थन करूंगा। जो खुद का बेटा नहीं कर पाता, गोद लिया बेटा करके दिखाएगा। मैं जहां जहां गया हूं, समाजवादी पार्टी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, बसपा के प्रति, उत्तर प्रदेश के हर कोने में एक भयंकर नफरत का माहौल नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है, अमीरों को सरकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर गरीब को अपना बच्चे को पढ़ाना है तो उसको सरकार की स्कूल में भेजना पड़ता है, लेकिन अगर सरकार की स्कूल में अखिलेश जी का काम बोलता है कि 50% टीचर की भर्ती ही नहीं हुई है, तो गरीब का बच्चा पढ़ाई कहां करेगा। अखिलेश जी ने थाने को सपा का कार्यालय बना दिया है। थानेदार तो दो होते हैं, लेकिन सपा के 5 गुंडे वहां बैठे होते हैं, और जब तक सपा का सूबेदार हां न कहे, थानेदार कागज पर एक शब्द लिखने की हिम्मत नहीं करता है। भाइयों बहनों, जब तक ये सपा और बसपा और कांग्रेस को सजा नहीं करोगे, ये स्थिति नहीं बदलेगी। और इसलिए इस चुनाव में आपकी उंगली में ताकत है, आपकी उंगली में ताकत है, इन सपा बसपा और कांग्रेस को सजा करने की ताकत आपकी उंगली में है। भाई, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% किसानों को, 3% किसानों को ही बीमा दिया जाए, पैसा दिल्ली की सरकार देती है। अखिलेश जी, आपके पेट में क्या दर्द है? अगर हिंदुस्तान के किसान का भला नहीं होगा तो हिंदुस्तान का कभी भला नहीं होगा, ये मैं भली भांति समझता हूं।